नालंदा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंत्री समेत आम लोगों ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस के मौके पर मंत्री समेत अन्य ने आम लोगों के साथ योगाभ्यास कर लोगों को रोग मुक्त और फिट होने का संदेश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में एनसीसी कार्यालय में योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने के योग करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निरोग रहने के लिए हर किसी को योग करना चाहिए। योग से तन मन सब स्वस्थ रहता है। आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी के कारण लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है। यही कारण है धीरे धीरे वह कई रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सुबह हर दिन समय निकालकर योग अवश्य करनी चाहिए। निरोग रहने के लिए एकमात्र उपाय योग ही है। आज पूरे देश और दुनिया में सब लोग जो योगा करते हैं वो भी अभ्यास कर रहे हैं, और जो लोग नहीं करते हैं आज जो भी शुरुआत करेंगे। मनुष्य के जीवन के लिए मनुष्य को स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए योगा का जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग जब प्राइमरी स्टेज में थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे गांव के स्कूलों में, उस समय भी ये काम होता था, और वो एक विशेष तौर पर एक घंटी भी होती थी हम लोगों की, और उस घंटी में हमारे जो शिक्षक थे वो हम लोग को योगा कराते थे, कसरत कराते थे। तो इस तरह का काम से जो शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़ता है और काम करने की भी स्थिति बनती है। इस अवसर पर पूरे देश के वासियों को, दुनिया के लोगों को और ख़ास करके नई पीढ़ी के नौजवानों को मैं शुभकामना देता हूं कि योगा का अभ्यास करें, योगा को अपनाएं। और यहां पर तो एनसीसी कैडर के सभी बच्चे हमारे हैं, ये लोग तो अनुशासित हैं, ये लोग तो खुद ब खुद इस तरह का काम करते रहते हैं, और इनके माध्यम से भी लोगों में संदेश जाए। यही मैं कहूँगा कि ये जो हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इसको भी लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए।